तो आज हम शॉर्टिंग के कुछ ये करने जा रहे हैं, कुछ ट्रिक्स के बारे में और फिल्टर के बारे में हम जानेंगे। ओके, तो शॉर्टिंग के बारे में हम पहले बात करते हैं। शॉर्टिंग हमने पढ़ लिया था कि शॉर्टिंग किस तरीके से करते हैं और बाकी चीज़ क्या है। नॉर्मली आप इसका शॉर्टिंग का यूज़ अपने ऑफिस में करते भी हो, उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके कुछ ट्रिक्स है जो कि आपको सीखनी चाहिए। अब ट्रिक जैसे कि आपको हम बता दें, सबसे पहला बात यह है कि एक डेटा है आपके पास। अब डेटा में कहीं कहीं ब्लैंक रो है इस तरीके से, तो आपके डेटा में कुछ कुछ डेटा के बाद जो है ना ब्लैंक रो है, तो इस ब्लैंक रो को कैसे आप हटाइएगा, कोई आइडिया है? तो इस ब्लैंक रो को डिलीट करने के लिए बहुत सारे लोग फिल्टर लगा के डिलीट करते हैं, लेकिन फिल्टर लगा के जब डिलीट करोगे तो उसमें दिक्कत होती है कि बैकग्राउंड का डेटा डिलीट हो जाएगा, या फिर काफ़ी टाइम होता है वन बाई वन करके डिलीट करता है, तो काफ़ी हैंग होता है अगर बड़ा डेटा हो तो। तो हम लोग उसको अवॉइड करते हैं, हम लोग डेटा को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम शॉर्टिंग में जाते हैं, और शॉर्टिंग में किसी एक नंबर के अकॉर्डिंग उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो इसमें होता है क्या है कि जो आपका ब्लैंक होता है वो डिलीट नहीं होता है, वो इसके नीचे आ जाता है, एक बेनिफिट ये है, ठीक है सर? और आपका काम फास्ट होता है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि मुझे इन दोनों के बीच में एक ब्लैंक रो इंसर्ट करनी है, इस तरह हर किसी के नीचे इस तरह से एक ब्लैंक रो होने चाहिए, एक ब्लैंक रो हर किसी में मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो हर किसी में ब्लैंक रो अगर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो इसमें दिक्कत क्या है, एक एक करके करना मुश्किल है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम शॉर्टिंग मेथड यूज करेंगे। बोला था शॉर्टिंग में, पहले मैं समझता था कि इसको हम इससे करें, VBA से करें, लेकिन बहुत सिंपल मेथड है। आप एक कॉलम ऐड कर लो और उसमें आप सीरियल नंबर लिख के ड्रैग कर लो, आप उसके बाद उस सीरियल नंबर को कॉपी करो। आपको ड्रैग कितना करना, कितना कॉलम ऐड करना है, एक 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 ही रो ऐड करना है ना, तो उस केस में एक रो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब सिलेक्शन करो, अभी क्या है कि यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करेंगे, तो ए वन है हमारा, एक पहला वन जिसमें डेटा लिखा हुआ है, और दूसरा नीचे देखोगे तो यहाँ पे दूसरा वन है जो कि ब्लैंक है। जब हम इस सीरियल नंबर अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे तो वन वन इकट्ठा हो जाएगा, मतलब कि एक फिल रो होगा एक ब्लैंक रो होगा, तो एक एक रो एक एक कॉलम इसको ऐड कर देंगे। तो उसमें कस्टम सॉर्ट में जाते हैं और यहाँ पे हम सीरियल नंबर का अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देते हैं, हो गया सर एक रो, बाद में सीरियल नंबर को डिलीट कर दीजिए। इसका यूज हम इस तरह से कर देते हैं, लेकिन बेसिकली इस सब की जरूरत हम कहाँ पड़ती है मैं बताता हूँ आपको। एक छोटा सा डेटा बनाता हूँ जैसे नेम हो गया, और मेरे पास इस तरीके से डे बाई सेल आया हुआ, इस तरह से डे बाई सेल आया हुआ। अभी यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने नाम लिख देता हूँ पुनीत, ठीक है? तो इस तरह से डे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हमारा डेटा है। अभी क्या है कि मुझे सबका परसेंटेज निकालना है, एक परसेंटेज का कॉलम ऐड करना है सब में यहाँ पे,
यहाँ पे होना चाहिए रो, यहाँ पे क्वांटिटी होना चाहिए, क्वांटिटी शेयरिंग परसेंटेज मान लीजिए, इस तरह से परसेंटेज होना चाहिए और फिर मैं परसेंटेज में इसका कैलकुलेशन लूँगा। तो मुझे हर में एक एक कॉलन ऐड करना है, एक एक कॉलन ऐड करना है, ये टीडीएस जॉब हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, इसके बगल में जाएंगे और एक परसेंटेज यहाँ लिख देंगे और कितना है हमारे पास, ये है आपका 44। तो हम यहाँ भी 38, 44 ऐड कर देंगे। मैं इसको ऐड कर दिया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। डेटा को सिलेक्ट करते समय हम इसको नेम को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ शॉर्ट पे जाऊँगा। अब डेटा को हम यहाँ पे ऑप्शंस में शॉर्ट लेफ्ट टू राइट कर देंगे, लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे रो वन के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देते हैं। एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, इसी को कॉपी पेस्ट दोबारा कर देते हैं। मैं सोचा परसेंटेज पहले आ रहा है ना, सॉरी, जो है जो होगा वही करना है, याद रखिएगा। अगर दूसरा करोगे दिक्कत हो जाएगी, या फिर सीरियल नंबर ऐड कर लो, ये अच्छी चीज़ है। अगर इसमें अगर प्रॉब्लम है तो सीरियल नंबर ऐड कर लो, लेकिन मैंने उसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर दिया, वो सही है। शॉर्टिंग में आए कस्टम शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट, और यहाँ पे हम रो वन ऑप्शन है लेफ्ट टू राइट, हो गया। अब एक जगह फॉर्म लगा कि मैं कॉपी पेस्ट मार दूंगा, आया समझे सर? जी सर, आ गया। अब बात करते हैं फिल्टर की। जैसे सॉर्टिंग डेटा को सिक्वेंसली अरेंज करता है, ऐसे आपका फिल्टर जो है वो डेटा को फिल्टर करता है। क्योंकि अगर मुझे सिर्फ मैंग का डेटा चाहिए या डीएनएस का डेटा चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो फिल्टर लगाने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल, एल फॉर लिंगुआ, कंट्रोल शिफ्ट एल, एल से हमारा फिल्टर लगता है। ये हमारा शॉर्टकट है, या यहाँ से भी हम लगा सकते हैं या डेटा मेनू बारे में जाके हम फिल्टर लगा सकते हैं। अब फिल्टर तीन तरह के होते हैं, टेक्स्ट फिल्टर, नंबर फिल्टर और डेट फिल्टर। ये डिपेंड करता है उस कॉलम में, जिस कॉलम में आप फिल्टर लगा रहे हो उसमें डेटा क्या है। जैसे कि नेम फिल्टर है हमारे पास, यहाँ पे आपका नेम का मतलब कि टेक्स्ट है। तो एक तो है कि आप यहाँ से क्लिक करके जो भी नाम चाहिए वो चेकबॉक्स में क्लिक कर दो, वो फिल्टर में आएगा आपका। जैसे मैंने मान लीजिए कि मुझे कविता नहीं चाहिए, मयंक नहीं चाहिए, नीरज नहीं चाहिए, तो इतना ही आया यहाँ पे। या फिर अगर आपने कलर वलर दे रखा है तो फिल्टर बाय कलर कर सकते हो, या टेक्स्ट कलर हो या फिर ये कलर हो, यहाँ से फिल्टर बाय कलर कर लो, वो कलर ही फिल्टर होगा, चाहे फिर बैकग्राउंड कलर हो चाहे वो कलर, या आइकन हो तो आइकन में फिल्टर कर सकते हो। अब आता है टेक्स्ट फिल्टर। इसमें ये तो हो गया कि नॉर्मल, अगर आप किसी कंडीशंस के बिहाव पे फिल्टर करना चाहते हो तो यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर कि इक्वल टू एक पर्टिकुलर नाम को फिल्टर करना है, डज नॉट इक्वल टू, या बिगिन विथ के टेक्स्ट है तो मान लो जो एम से स्टार्ट है, या कि जो जिसको सिंग से ख़त्म है, या जिसके नाम में कोई एक वर्ड है, तो मैचिंग करना चाहते हो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसे हाईलाइट किया था उसके अकॉर्डिंग उसी तरह यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। डू नॉट कंटेन, कस्टम फिल्टर में जाओ तो कस्टम फिल्टर में आप दो कंडीशन एंड और के माध्यम से यहाँ पे लगा सकते हो। जब आपको दो कंडीशन लगाने हो तो यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। तो टेक्स्ट फिल्टर समझ में आ गया आपको? संजीव जी, समझ में आया आपको?
नंबर फिल्टर की बात करें तो नंबर फिल्टर में बाकी सब सेम है, लेकिन यहाँ पे आपका जो है ना कंडीशंस में थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी इक्वल टू एक पर्टिकुलर नंबर को फिल्टर करना है, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन, ये चीज़ आप कर सकते हैं। फिर टॉप 10 और नंबर के हिसाब से आपको टॉप 10, टॉप 15 या बॉटम 10, बॉटम 15 को आपको फिल्टर करके दे लेता है। उस तरह से अबव एवरेज, ये पूरे डेटा को जो का एवरेज है, उस एवरेज से जो अबव है उसको अलाइट कर देगा, और बिलो उसे जो बिलो है उसको अलाइट कर देगा। तो या फिर आपको कोई कोई चाहिए, आपको कंडीशन चाहिए कि एक पर्टिकुलर दो कंडीशन चाहिए एंड और के माध्यम से करना चाहते हो, तो उस केस में आप कस्टम फिल्टर यूज कर सकते हो। तो नंबर फिल्टर में नंबर एक फिल्टर जो है नंबर के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं, और यहाँ पे कंडीशंस है कि इस तरह कंडीशन। तो ये कंडीशन समझ में आया करके बताऊँ आपको, छोटी चीज़ है आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे हम डेट की बात करें तो डेट फिल्टर में एक तो आपका डेट ग्रुप में आ जाता है, जैसे ईयरली होगा, मंथली होगा, फिर डे होगा, फिर आवर, मिनट, सेकेंड, इस तरह से ग्रुप में आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें इसकी जो जो चाहिए उसे क्लिक कर दो आपको मिल जाएगा। कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे कंडीशन बहुत तो ज़्यादा है, देख लीजिए, इक्वल तो पर्टिकुलर डेट को यहाँ पे आपको करना चाहते हो तो डेट यहाँ पे लिख भी सकते हो, यहाँ सेलेक्ट भी कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि इक्वल या बिफोर या आफ्टर या बिटवीन, ये चार में आपको मैनुअल डेट डालना पड़ता है जो आप चाहते हो, लेकिन नीचे सब में हमें डेट डालने की ज़रूरत नहीं, ये हमारे सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग चलता है, जैसे कि कंडीशनल प्रॉपर्टी में डेट ऑफरिंग चलता था। जैसे कि यहाँ हम बात करें टुमारो, तो एक कल की जो डेट होगा उस डेट को फिल्टर कर लेगा, नहीं है कल की डेट इसलिए, टुडे आज की डेट, स्टरडे जो बीत गया कल उसका, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, लास्ट ईयर एंड ईयर टू डेट। तो ये हो गया, अगर इस सारी चीज़ हम इसका यूज कर सकते, जिस पे क्लिक करेंगे उसका हमारा फिल्टर आके आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक और आता है ऑल डेट इन पीरियड, मान लीजिए डेट डेटा आपका 8-10 महीने, 8-10 साल का है, 5 साल का, 3 साल का, 4 साल का डेटा है, तो इसमें अगर हम क्वार्टर वन सेलेक्ट करेंगे तो ये क्वार्टर यहाँ पे अगर हम दिस क्वार्टर वगैरह सेलेक्ट किए तो करेंट ईयर का होगा, लेकिन इसमें अगर हमने क्वार्टर वन किया तो मतलब कि जितने भी में साल का डेट है सबका क्वार्टर वन, मतलब 1 से 31 जनवरी सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो 2015 का हो, 2014 का हो, 2013 का हो, सारे के सारे डेट पे। तो उसी तरीके से अगर आप मान लीजिए कि आपके पास 10 महीने का डेटा है, आपको क्वार्टर वन में एनालिसिस करना है, जन्म या एक पर्टिकुलर मंथ में एनालिसिस करना है, तो उसका यूज आप कर सकते हो यहाँ से ऑल डेट पीरियड से। सही समझ में आया कि आपको? जी तो ये डेट फिल्टर था, तो हमने नंबर फिल्टर, टेक्स्ट फिल्टर और डेट फिल्टर के बारे में बात की। तो फिल्टर्स यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है फाइन सेलेक्ट, तो कंट्रोल एफ से फाइन करते हो, रिप्लेस करने के रिप्लेस करते हो, ऑप्शन में होता है यहाँ पे कि आप पूरी एक सीट पे मर्ज फाइन करना चाहते हो या पूरी के पूरी वर्कबुक पे फाइन करना चाहते हो, रो वाइज करना चाहते हो, कॉलम वाइज करना चाहते हो, फार्मूला में देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो, जैसे फार्मूला ही होता है यहाँ पे, फार्मूला वैल्यू कमेंट ढूंढना चाहते हो। उसी तरीके से मैच केस, क्या अगर बड़ा छोटे का फर्क रखना है, मैच कंटेंट सेल मतलब क्या हुआ, एंटायर कंटेंट सेल, ये देख लीजिए, हमने मान लीजिए कि हमने हमारे पास सुनील कुमार सिंह का डेटा है, अगर हमने सुनील सर्च किया तो वही चला जाता है, तो अगर हम मैच इंटायर सेल करते हैं तो सुनील सिर्फ जहाँ पे सिर्फ सुनील होगा वहीं पे जाएगा, सुनील कुमार सिंह को सिलेक्ट नहीं करेगा। ऐसे आप कलर वगैरह चाहिए, मतलब कि आप फॉर्मेटिंग वाला चाहते हो कि येलो कलर कहाँ पे है, रेड कलर कहाँ पे, तो यहाँ से चूज कर सकते हो। तो सिंपल है, तो आई थिंक आप देख सकते हो अपने खुद भी। अब इसमें गो टू स्पेशल, एक
गो टू क्या करता है कि आप किसी लोकेशन पे जाना चाहते हो, A10 पे जाना है तो एंटर मारते हैं उस लोकेशन पे चले आते हो, कंट्रोल जी इसका शॉर्टकट होता है। लेकिन इसे मान लीजिए आपके पास डेटा है, ये जो आपके पास डेटा है, अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते कि कहीं कहीं पे जो है ना आपका ये लगा हुआ है, फॉर्मूले लगे हुए, आपका रिजल्ट जो है ना कहीं कहीं पे फॉर्मूले से आया हुआ है, कोई फॉर्मूला से आया हुआ है। अब कौन कौन रिजल्ट फार्मूला से आया है उसका देखना था मुश्किल हो रहा है। अब चलते जो जो फॉर्मूले से आया हुआ है उसका हाईलाइट, उसको मैं कलर करना है। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में कुछ ऐसा रूल नहीं है कि आप फार्मूला से उसकी ये कर सको। तो उस केस में अगर हम गो टू स्पेशल में जाते हैं और इसमें बोलते हैं कि फार्मूला को सिलेक्ट कर, या जिसका रिजल्ट नंबर है, या एक पर्टिकुलर रिजल्ट भी सेट कर सकते हैं आप, ओके कीजिए। तो जहाँ जहाँ फार्मूला लगा हुआ है ना वो सारा आपका सिलेक्ट हो गया, डेटा के अंदर देखिए जहाँ जहाँ फार्मूला लगा हुआ है सब सिलेक्ट हो गया। अब इसको कलर कीजिए, डिलीट कीजिए, वो सर आपके एक ऊपर बार बोल। फिर से बताइए एक बार क्या किया। ध्यान से देखिए सर, गो टू स्पेशल में हमारे पास होता है कि ये सिलेक्शन की बनाता है, क्या बनाता है सिलेक्शन, याद रखिएगा। अगर मैंने कमेंट सेलेक्ट किया जहाँ जहाँ कमेंट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, मैंने कंटेंट सेलेक्ट किया कंटेंट में ये हमारा नंबर है, ये टाइप है, मतलब कि वैल्यू होनी चाहिए, तो सिर्फ नंबर वाला वैल्यू सेलेक्ट करो, या टेक्स्ट वाला वैल्यू सेलेक्ट करो, या जहाँ ट्रू फॉल्स है वो सेलेक्ट करो, या जो हाँ एरर है उसको सेलेक्ट करो, या फार्मूला, तो फार्मूले का जो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो मैं क्लिक करूँगा तो उस सिर्फ उतना एरिया सेलेक्ट हो जाएगा जहाँ हमारा डेटा है। ऐसे ही ब्लैंक के लिए कि अगर मैंने डिलीट कर दिया तो जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ वहाँ सेलेक्ट हो जाए, तो गो टू स्पेशल में आप ब्लैंक सेलेक्ट कर लो, आपका ब्लैंक सेलेक्ट हो जाएगा, तो इस जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ वहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, चलिए इसके यूज के लिए मैं एक डेटा बनाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम, नेम और यहाँ पे सिटी देता हूँ, और बाकी भी हो सकता है लेकिन फिलहाल नेम और सिटी देता हूँ, पुणे, और मैं इसको लेकर नीचे ड्रैग करता हूँ डेटा वे, ज़्यादा हो गया कोई बात नहीं। उसके नेम देता हूँ पुनीत, ठीक है। अभी क्या करना है मुझे कि ये डेटा मेरे पास है, इसमें क्वांटिटी वांटी आगे भी हो सकता है, मुझे क्या करना है कि मुझे सिर्फ यहाँ पे डेटा को इस तरीके से ड्रैग करना है, सर ये डेटा आपने पहले से बना रखा था जो नेम के बीच में स्पेसेस आ रहे हैं। वो कस्टम लिस्ट है यार, डेली तो यूज करता हूँ पता नहीं चलता आपको, कस्टम लिस्ट मैंने बना रखा है। तो ये मुश्किल है, एक एक करना मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, गो टू स्पेशल में गया और गो टू स्पेशल में बोला कि ब्लैंक को सिलेक्ट करो, जितनी ब्लैंक है उस ब्लैंक को सिलेक्ट करो। तो जहाँ जहाँ ब्लैंक देता है वो सिलेक्ट हो गया, नेम सेलेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने इक्वल लगाया, ऊपर वाले को सिलेक्ट किया और कंट्रोल एंटर, हमने क्या किया कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंट्री करते ही सारा का सारा फिल हो गया। तो कंट्रोल एंटर क्या करता है, जैसे एक पर्टिकुलर आप सिलेक्ट कर लिया, आपने कोई कुछ लिखा है, फॉर्मूला डाला है, कुछ भी किया, और एंटर मारोगे तो सिर्फ इस पर एंट्री होगी, अगर कंट्रोल एंटर मारोगे जो भी सिलेक्टेड सेल है सब पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ कि मुझे जो है ब्लैंक पूरा सिलेक्टेड है, अब मैंने क्या किया इक्वल किया इसको सिलेक्ट किया पुनीत को, तो क्या हुआ फार्मूला A2, जब मैं कंट्रोल एंटर मारा तो A2 को कॉपी करके सारे ब्लैंक में पेस्ट कर दिया। जैसे जैसे A2 नीचे गया वैसे वैसे A3 A4 A5 बनता चला गया, और मेरा फार्मूला इंक्रीज होने के कारण हमारा वैल्यू इंक्रीज होता चला गया, कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे फार्मूला है, वैल्यू नहीं डाला इसमें, क्या डाला फार्मूला डाला, ठीक है। तो इस तरह का यूज हमने किया।
तो हमने गो टू स्पेशल भी इसका यूज करते हैं। दूसरा चीज कि हम लोग कभी फिल्टर करते हैं तो पीछे का डेटा भी कॉपी हो जाता है ना। जैसे डेटा है आपका, अगर मान लीजिए फिल्टर की जगह पे आपका हाइड है, राइट क्लिक करके मैंने हाइड कर दिया, अब मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करके कहीं पेस्ट करूँगा तो सिर्फ विजुअल से नहीं आएगा, पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। यही काम कभी कभी हमारे फिल्टर में भी हो जाता है एक सिचुएशन पे। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप क्या करें, डेटा को सिलेक्ट करें और जाएं गो टू स्पेशल में और इसमें बोले विजुअल सेल्स ओनली, माने जो सेल विजुअल है उसी को सिलेक्ट करो। तो सिलेक्शन करने के बाद कॉपी करने से पहले आप विजुअल सेल्स ओनली को सिलेक्ट करें और फिर उसको कॉपी करके जहाँ पेस्ट करना वहाँ पेस्ट करें, आपका विजुअल डेटा ही आएगा, हिडन डेटा नहीं आएगा। ठीक है, अभी आप लोग क्या कीजिए, आपका मैंने आज होम मेनू खत्म कर दिया हूँ, कल से मैं आपका डेटा एनालिसिस पिवट टेबल स्टार्ट करूँगा। तो आप एक बार क्या कीजिए, होम मेनू को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है उस चीज़ों का एक लिस्ट बना ले, जो कि कल मुझसे क्लास स्टार्ट होने से पहले पूछ लीजिएगा, फिर हम आपको कल बता के आगे पिवट यूज करेंगे। ठीक है संजीव जी, तो होम मेनू मैंने ख़त्म कर दिया आज आपका, तो कल हम आपका पिवट टेबल करेंगे, तो पिवट टेबल को अच्छी तरीके से आप समझ लो। पिवट टेबल से पहले आप होम मेनू को पूरे अच्छे से समझ लो, जो चीज़ें अगर ऑप्शन छूट गई है मुझसे या आपको समझ में नहीं आई हो वो बता दीजिएगा, हम आपको कल बता देंगे। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम कल सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं और इसमें हम आपको पिवट टेबल ऑटोमेशंस के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है,